तो जय हिंद दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं आज ऐसे शेयर के बारे में जिसने कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की। तो चलिए आइए देखते हैं। फटाफट हमें आप पे टाइप कर लेते हैं HFCL लिमिटेड, लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा अपने आप ही HFCL लिखते ही। और ये मैं बता दूं, ये कंपनी क्या काम करती है, ये हिमाचल की है। ये काम करती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर, जो वायरें होती है उनमें काम करती है 5G में, ठीक है ना। और जो इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, देखिए आप 52 वीक में देख सकते हैं, 94.65 तक इसने 52 वीक में हाई मारा था। बट ये 52 वीक से पहले भी, पहले ये 101 सॉरी 100+ ने मारा था, 101 रुपये की इसने लास्ट हाई मारा था। फिर उसके बाद ये शेयर बहुत ही डाउन चले गया था 55 रुपये, मतलब कि अपने से बहुत ही आधा चले गया था ये शेयर, ठीक है ना। फिर ये दोबारा उठा है और उठ रहा था काफ़ी दिन से, ऊपर चल रहा था, चल रहा था, ये 65-70 65-70 65-70 का ये खेल खेल रहा था शेयर। और ये आज मतलब 3 दिन मार्केट बंद थी, सैटरडे संडे मंडे, उसके बाद ही आज ओपन हुआ है। तो सीधा जो उसने मारा हाई, सीधा मारा उसने, क्या नाम है, 101 पे ओपन हुआ, हाई मारा 103 रुपये, मतलब कि 99 में क्लोज हुआ था, तो 100 का लेवल इसने ओपन होते ही पार कर दिया था। और ये इतना ही गया था 52 वीक से पहले, 101 रुपये इतने के आसपास ये पहले इसने लास्ट हाई मारा था जो उसने, ठीक है ना। और बात करते हैं हम HFCL के लाइफ टाइम की, तो लाइफ टाइम में आप देख सकते हैं 2578.05 रुपये इतने का ये एक शेयर था, इतना उसने हाई मारा हुआ है लाइफ टाइम में, ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर कुछ इश्यू आ गए थे जिससे कि ये शेयर इतना नीचे गया, इतना नीचे गया कि ये 55 रुपये 75 पैसे तक आ गया था लास्ट, ठीक है ना। ये 52 वीक का बता रहा हूँ, ये 55 रुपये 75 पैसे भी से भी नीचे गया है, ठीक है ना। तो हमने तो देखा था, जिनके पास ये है, जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था पहले से, तो उनको तो पता ही होगा कि क्या नाम है, ये 55 से नीचे भी गया था, ये 45 के लगभग, 46-47 के लगभग, 45-46 के लगभग ये गया था ये, ठीक है ना। तो ये जो हमको दिखता है डाटा, ये हमको 52 वीक का दिखता है खाली, है ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप, है ना, और पी ओ रेस्टो देख सकते हैं इसका आप, 56.56, और ये वॉल्यूम है। और मेरी राय यही है कि अभी इसको होल्ड करके रखिए, सेल मत करना बिल्कुल भी नहीं, अभी होल्ड करके रखिए, ये शेयर अब भागेगा ऊपर, इसका टाइम खत्म हो गया नीचे आने का, अब इसका टाइम शुरू हो गया ऊपर आने का। तो ये आएगा और आज ही देख लीजिएगा, ये 100 से ऊपर ही क्लोज होगा, 100 से ऊपर ही क्लोज होगा। अभी भी ये डाउन चल रहा है, 103 हाई मारा है, और लास्ट इसने जो डाउन मारा आज डे का, डे डाउन मारा इसने 97 रुपये मारा है, तो ये अभी 98 रुपये चल रहा है। तो ये 100 भी पे क्लोज होगा अभी, और अभी जल्दबाजी मत कीजिए HFCL के लिए, आप इसको रख के रखिए, अभी इसको होल्ड करके रखिए, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा, और देने वालों को तो दे भी चुका होगा, और जो समझदार हैं लोग उन्होंने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ, उनकी एवरेज निकल चुकी हुई काफ़ी, और काफ़ी प्रॉफिट में भी होंगे, तब भी वो उसको सेल नहीं करेंगे HFCL को, वो समझ गए होंगे कि अभी सेल नहीं करना है, थोड़ा और प्रॉफिट ले लिया जाए, है ना। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक सोचते हैं कि चलो भाई यार थोड़ा प्रॉफिट हुआ बेचो, फिर हम जब थोड़ा नीचे डाउन आएगा तो हम दोबारा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, हम सेल कर देते हैं थोड़े से प्रॉफिट के लिए, और जब तक हम सोचते हैं कि नीचे आएगा नीचे आएगा, वो नीचे आता नहीं और ऊपर भागता है, फिर हम सोचते हैं कि यार काश हम इसको रख के रखते थोड़े से प्रॉफिट के लिए, इसको सेल नहीं करते, तो अभी ऊपर चले गए, अब कब खरीदें, अब उनको मौका मिलता नहीं, फिर वो कब खरीदते हैं जल्दबाजी में, जब वो मार्केट हाई जा रही है तो वो बीच में खरीदते हैं। कभी भी गाइस ध्यान रखिएगा कि कभी भी, जब भी मार्केट ऊपर जा रही हो कभी भी बाय ना जो कि करें, अभी 21,370.85 रुपये चल रही है निफ्टी, ठीक है ना। तो अभी भी मार्केट डाउन है तो अभी तो खरीद सकते हैं आप। और बाकी एक शेयर और है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा जरूर, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के बारे में उसमें आपको बताएंगे। तो HFCL को आप होल्ड करके रखिए, तो यह है HFCL का चार्ट, और शेयर काफ़ी टाइम से सेल चल रहा था, सेल हुआ फिर काफ़ी भारी मात्रा में, फिर डाउन गया, फिर सेल हुआ, फिर डाउन गया, फिर थोड़ा सा बाई हुई है, फिर सेल हुआ है, फिर नीचे बहुत डाउन आया है, फिर सेल हुआ है, फिर बाय हुई है, बाय होने के बाद फिर काफ़ी भारी मात्रा में बाय हुई है, तो काफ़ी शेयर ऊपर गया है जिसने कि
103.80 रुपये का जो हाई मारा है अभी, ठीक है ना, आज की डेट में। फिर 103 का लेवल जैसे पार किया, 80 रुपये गया, तो एक काफ़ी बाय देखने को हमको सेल करने को देखने को यहाँ मिली है। तो ये अभी और नीचे जाएगा, 97.50 है, तो ये इससे थोड़ा और नीचे जाएगा, अभी गिरेगा अभी शेयर और नीचे। तो जिनके पास है वो पैनिक ना हो, इसको होल्ड करके रखें, ये अभी नीचे डाउन जाएगा, है ना। तो अभी बाय चल रही है अभी इस टाइम, सेलिंग ही चल रही है अभी, देख रहे होंगे आप, देख पा रहे होंगे यहाँ अभी सेलिंग चल रही है अभी, और अभी भी सेलिंग ही चल रही है। तो थोड़ा सा नीचे आएगा ये, फिर बाय का आएगा तो ये काफ़ी ऊपर भागेगा, है ना। तो शेयर ने आज मार्केट खुलते ही इतना बड़ा अप मारा है, बहुत बड़ा मारा है, क्योंकि यहाँ देख देख पा रहे होंगे आप, सेलिंग बाय बहुत हुआ है, बहुत भारी क्वांटिटी में बाय हुआ है ये शेयर, इसलिए ऊपर गया है। तो अभी थोड़ा नीचे आएगा, तो मेरी राय ये है कि बना के रखिए इसको, अभी जल्दबाजी में सेल ना करें, पैनिक ना हो, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड धन्यवाद। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद।